काबुल में धमाके के बाद वहां के हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए हैं। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने धमाके में अपने परिवार के लोगों को खो दिया। मातम और खौफ ने उनकी जिंदगी को बोझ बना दिया है। न्यूज 18 ने भारत में रहने वाले कुछ शरणार्थियों से बात की। उन लोगों का उनका दर्द और तकलीफें ऐसी हैं जो किसी को भी हिला दे। मेरे को महसूस हो रहा है कि ना जमीन है ना आसमान। ऐसा दिन, ऐसा टाइम खुदा किसी को ना दिखा दे। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। वापस जाना चाहता था, तो उस बेचारों को शहीद कर दिया। ये क्या जुल्म हो रही है अफगानिस्तान। ये चीज़ हम भूलेंगे नहीं, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी अपनी मेरे ससुराल का एक घर से 15 लोग मर गई। वो जंगली लोग, वो वैशी लोग। ये वो अफगान शरणार्थी हैं जो दिल्ली में हैं, लेकिन काबुल में अपनों को खोने का गम उनकी आंखों से छलक उठा। ये हिजरत है। दिल्ली के बसंत विहार में UNHCR के सामने धरने पर बैठे हैं। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में इनका एक भाई और 3 मासूम भतीजियां मौत के मुंह में समा गए। आखिरी बार उनके चेहरे देखने के लिए ये तरसते रह गए। मौत का दर्द अलग और ऊपर से इतने बच्चे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है, कि मुझे कुछ फोटो भेज दे उसके डैड का, जो आखिरी दीदार है कर तो लूँ। सब उसके मतलब फेसबुक अकाउंट वगैरह से फोटो निकाल निकाल के मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए ये, अभी क्या चाहिए, ताकि मैं देख तो सकूँ। वो नहीं भेज रहे थे, इसका मतलब है कि वो टुकड़े में बैठे हुए। तालिबान ने अफगानी लोगों की जिंदगी को ऐसा बोझ बना दिया है कि उन्हें दुनिया से कहने पर मजबूर होना पड़ गया है कि वो भी इंसान। रात से नींद सोया नहीं हूँ और बहुत मतलब डिप्रेशन में हूँ सर। बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही अरमान है जिंदगी में, किसी चीज़ का नहीं। इंसान को बहुत ख्वाहिश होता है। हम भी इंसान, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। ये दुनिया से अपील है, एक भारत से नहीं है, एक हिंदुस्तान से नहीं है, पूरे दुनिया से, कि हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें जीने दे तो, इसके अलावा हम तो कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर। अहमद की हालत काबुल में धमाके होने के बाद से खराब थी। उनकी बहन और माँ काबुल एयरपोर्ट पर थी। हादसे के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। न्यूज 18 से बात करते हुए उनकी बहन का अचानक फोन लग गया और बात हुई तो उनकी जान में जान आई, लेकिन जो हालात उन्होंने बयां किए उसने अहमद को दहला दिया। बोलता है हालत बहुत बुरा है वहाँ का, तो क्योंकि कोई का इजाज़त नहीं देता है। और जब मतलब कल था, इतनी मतलब जनाजा वहाँ था, इतनी जनाजा था, सिर्फ रो रहा है और कुछ नहीं बोलता है। एक तरफ अपनों को हमेशा के लिए खो देने का गम, तो दूसरी तरफ मातम के वक्त परिवार से दूर रहने की तकलीफ। अनीशा के परिवार के 4 सदस्यों की काबुल धमाके में मौत हो गई, तो शादिया शकुरी ने अपने परिवार के 15 लोगों को एक साथ खो दिया। जी, कहा कि हम अभी एयरपोर्ट में हैं। हमारा साथ बात किया कि अभी एयरपोर्ट में ही हम जाना चाहते हैं, अभी फ्लाइट हमारा आ रही है, हमको ले जाएगा। मगर 4-5 घंटे बाद हमको मालूम हो गया कि वो शहीदान हो गया। ये क्या जुल्म है। पहाड़ों से आ गई, जीने का मतलब नहीं समझती कि जीना क्या होती है, खाना क्या होती है। अकेला वो खून जूस पीती है और गोश्त खाती है। भारत में ऐसे अफगान नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद है जो कुछ वक्त पहले ही अपना देश छोड़कर भारत की पनाह ले चुके हैं। शरणार्थी बनकर भारत में जिंदगी गुजार रहे लोगों को तालिबान ने पहले ही बेचैन करके रखा था, क्योंकि उनके अपने अफगानिस्तान में जुल्मों और खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन कल हुए धमाकों ने इनकी बेचैनी को नाउम्मीद में बदल दिया। अफगान शरणार्थियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना ही वो अपनों के पास अफगानिस्तान लौट सकते हैं और ना ही अपनों को वहाँ से भारत बुला सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानी लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और धमाका करके ये इशारा भी कर दिया है कि उनका हुक्म ना मानने वालों का क्या हाल होगा। दिल्ली में रह रही सईदा की बहन काबुल धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गई। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो परेशान ही नहीं,
बेबस भी है। मेरी आमना सिस्टर अभी भी फिलहाल हॉस्पिटल में, इंजेक्शन वगैरह चालू है, बस आप प्रे करें। अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इंटरव्यू में एक बात कर रहे हैं, लाइफ कुछ और बता रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमें खुद समझ में नहीं है, अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक ही तो लोग हैं हम, एक ही तो हमारे सारे अकवाम हैं, वो अपने ही लोगों को मारा जा रहा है, कुछ हमें खौफ और इरास में। काबुल में धमाके से बच निकलने वाले कुछ खुशकिस्मत लोग भी हैं। अफगानी नागरिक जारिफी ने अपने जानने वालों से फोन पर बात की और बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से परेशान होकर धमाके से कुछ देर पहले घर लौट आए थे। बोल रहा है कि अभी जो है सिचुएशन वहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट के नाम से, पुलिस के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से कोई किसी को नहीं जानता है। और हॉस्पिटल है, मगर हॉस्पिटल में जो बड़ा बड़ा डॉक्टर था, जो सीनियर डॉक्टर था, वो सारा नहीं है। तालिबान ने काबुल में लोगों की हालत ऐसी बना दी है कि वो जिंदगी के लिए तरस रहे हैं और जीने की भीख मांग रहे हैं। हर पल खौफ के साए में जी रहे लोगों की दास्तां दिल तहला देने वाली है। यूपी के कन्नौज में एक तिराहे पर लगी महात्मा